सिलवासा के निर्माणाधीन पिपरिया ओवरब्रिज के नीचे दलालों के चक्कर में पड़कर एक कंटेनर ड्राइवर ने गाड़ी को गटर का काम चल रहे गड्ढे में फंसा दिया। जानकारी मिली कि आज कल कंपनियों में माल लाने ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट की बाहर राज्य से आने वाली गाड़ियों को सड़क पर खड़े दलालों द्वारा रास्ता दिखाने के नाम पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं। चंद रुपयों के लालच में इन दलालों द्वारा ऐसे वाहन चालकों को झांसे में लेकर उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में इस प्रकार के कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण कंटेनर गड्ढे में ही गिरा और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। देर रात तक दो क्रेन के माध्यम से कंटेनर को गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बाहर राज्यों से सिलवासा आने वाले बड़े वाहनों को सड़क दिखाने के चक्कर में इन दलालों द्वारा ऐसी हरकत किया जा रहा है। क्या ऐसे दलालों पर प्रधाना प्रशासन कोई एक्शन लेगी, या ऐसे ही दूर से आने वाले वाहन चालकों को इन दलालों की वजह से इस प्रकार से ही धोखाधड़ी का सामना करना पड़ेगा। जो ना इसको लेके आ गया है सर, वो गलती जो है 20 रुपए में इसको जो ना यहाँ पे लाया, हो गया काम इसकी, 20 रुपए ले लिया इसको, बोला आने दो आने दो आने दो, अभी बाहर के ड्राइवर था इधर तो रास्ता नहीं था ना, वही तो